legends ever die when the world is calling you? Can you hear them screaming at your name? They become a part of you every time you play. यो लेजेंड आर्मी। तो गाइस कैसे यार आप सभी लोग, तो गाइस स्वागत है यार तुम्हारा आज की इस एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और मतलब भाई आज तो हमारी लॉबी में काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर्स दिख रहे हैं, मतलब कि भाई हमारी टीम में कुछ कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स। और भैया हमारे सामने हैं एशिया के टर्मिनेटर, तो भैया देखते हैं कैसा जाता है और गेम प्ले। और भाई लॉबी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार उतरते हैं नोब और भाई मचाते हैं। तो भाई देखो तुम तो तुमने स्कोर्स तो देख ही ली होंगी नोवा में कितनी सारी उतर रही है। तो भैया गन फाइट लेंगे और देखते हैं यार क्या होता है। तो अब मुझे जैसे ही M4 मिली मैं सामने एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। और भाई चलो करते हैं यार अब दूसरे बंदे पे भी पुश। तो इतने में हम दूसरे बंदे पे पुश करते हैं, इतने में परितोष को एक बंदा कंटेनर से नॉक कर देता है। तो भाई नॉक फिनिश में उसे साथ के साथ कर देता हूँ। तो यार अब थोड़ा सा मतलब लूट लेते हैं जिन बंदों को हमने मारा है। और मैं मतलब के लिए यार यहाँ ना मिलने बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे सीन, तुम देखना भाई, क्योंकि भाई ये कॉम्पिटेटिव प्लेयर हम अपना क्लासिक खेलने वाले। तो भैया ये तो भाई मतलब भाई गोड लेवल है। तो यार चलो यार मतलब मचाते हैं तो भाई और देखते हैं। भाई अभी भी यहाँ पर बहुत सारे बंदे बच रहे हैं, तुमने देखा होगा मैंने उसे रिवाइव कर दिया था परितोष को, बट भैया वो ख़त्म हो चुका, उसे कोई पेल गया यार, क्योंकि हीलिंग वूलिंग भी नहीं मिलती यार नोवों पे। तो मुझे परी बता रहा था कि भाई पानी में से आवाज आ रही है कोई बंदा, तो यार ये तो बोट निकला, मतलब पेल देते हैं इसे भी इजीली और इसकी लूट लेके चलते हैं दूसरे बंदों को मारने। तो अब जब मैं वेयर हाउस के साइड आता हूँ तो भाई मुझे फुटप्रिंट्स आने लगते हैं बंदों के। तो मुझे एक कंटेनर पर बंदा भी दिखता है जिसके मैं टैग देता हूँ, बट नहीं मार पाता यार। और ये एक बंदा यहाँ से भाग रहा था, तो भैया इसे कर देते हैं फिनिश इजीली। और अब यहाँ पे देखना भाई हमारा एक बंदा नोक हो चुका है और भाई मैं अपने टीममेट के सिर पे ही लैंड हो गया। तो यहाँ पे मर भी सकते थे बट भाई किसी तरीके से बच गए, और मतलब गलत ही सीन हो गया भाई वो तो, मेरा टीममेट नोक पड़ा था उसके ऊपर ही चढ़ गया। तो सबसे पहले 7 गेम उठाएंगे भैया, टीममेट को तो बाद में भी खड़ा कर सकते हैं, मतलब रुक जाओ यार लूट करने दो, वरना इसे खड़ा कर दूंगा यो भी भाई लूट लेगा, बट हम ही खड़ा करेंगे यार, दूसरा बंदा नहीं खड़ा करेगा इसे OR नाम का, मतलब बहुत गलत सीन है यार भाई लूट के। तो मतलब भाई भाई लाले पड़े रहे हैं यार, हॉट ड्रॉप पे अगर तुम उतरोगे ना यार तो लूट बहुत कम है। तो अब नोवो क्लियर करने के बाद हम आते हैं इस वाले स्क्वाड हाउस में। और यार येली फाइट देखो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो अब एक बंदा सांप बना होता है जिसे टीममेट पेल देता है और भाई इसे मैं पेल दूंगा। तो अब यहाँ पे इनकी पूरी स्क्वाड मर गई इस चक्कर में, क्योंकि भाई फुल स्प्रेड हुए हुए थे बंदे, कोई कहीं पड़ा और कहीं कहीं से निकल गया रहा। तो ये बात मैंने तुम्हें बहुत बारी बताई है भाई, स्प्रेड वाले बंदे मर जाते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे एक बग्गी जाती हुई दिखती है और भाई उससे एक बंदा भी उतर जाता है। तो मतलब भाई उसको 6x का स्प्रे देते हैं और भाई नॉक कर देते हैं। अब उसका टीममेट उसे आएगा जरूर बचाने, तो करते हैं इन पर भी पुश। बट उससे पहले एक बंदा मतलब भाई DP से उधर मार रहा था, तो मैं मार्क कर देता हूँ टीममेट्स के लिए। मैंने कहा भाई उस वाले बंदे को देख लो, तो अब हम इधर वाले बंदों को देखते हैं। तो वो बंदा जो है भाई सैक के पीछे रिवाइव कर रहा है।
तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, मतलब भाई इसका टीममेट उतरा क्यों बग्गी से, तो यार उसके साथ तो गलत ही सीन होगी और अपने बंदे को मरवा दिया। तो मैं यहाँ पे इसी वाली जगह आ जाता हूँ जहाँ से बंदा डीपी का स्प्रे देता है, और भाई अगर गाड़ी ऊपर चढ़ जाती ना तो भाई नशे हो जाते मतलब कसम से। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी तुम्हें गोड लेवल कैंपिंग, तो भाई खुद ही देखो। तो भाई जो दोनों बंदे थे मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अति तार रखी भाई उन्होंने कैंपिंग की, मतलब भाई दोनों जिन्ने पे चढ़े बैठे और मतलब हिल नहीं रहे भाई बिल्कुल वहाँ से। तो इन बंदों को लूटने के बाद हम आज चलते हैं मतलब भाई ब्रिज से दूसरे बंदों पे पुश करने, और मतलब भैया गाड़ी की स्किन देख लो यार, अमीर स्किन है हमारे पे। तो अब जो है हम नोवो के ब्रिज से मतलब मिलिट्री बेस के ब्रिज पे आ जाते हैं, और मतलब हमें यहाँ पे बंदे भी मिल जाते हैं, तो यार ख़त्म कर देते हैं इन्हें भी। और ये जो दोनों बंदे थे भाई ब्रिज स्कैम करने की ट्राई कर रहे थे, बट यार इनके साथ आगे पीछे से हमने स्कैम कर दिया। तो अब एक सांप पड़ा हुआ होता है जिसे ही भाई गाड़ी से ही ख़त्म कर देते हैं, मतलब भाई मज़ा ही आ गया भाई सांप को मारने में, जो मज़ा है भाई वो नेक्स्ट लेवल है। और भाई जब तुम्हें सांप मार दे जब तुम्हारी किल्स है तो भाई वो चीज़ अलग है। तो वो हमारी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो चुका है, तो यार सबसे पहले गाड़ी चेंज करते हैं। तो गाड़ी चेंज करने के बाद हम निकल गए बंदे ढूंढने, और भाई मतलब हमें बंदे जाके मिले एक रिच पे, वो चीज़ देखो मतलब भाई वो कैसे भागे भागे हारते एक दूसरे से और थर्ड पार्टी करके ओपन में पेल दिया उन्हें। तो इस वाली स्कोर को तो मतलब हम भाई थर्ड पार्टी करके पेल देते हैं इजीली, क्योंकि भाई ये ओपन में तो और हमारे पे हाइट एडवांटेज भी था। तो अब भाई ये एक लास्ट बंदा बचा था जिसको मैं स्प्रे देता हूँ, मतलब भाई पड़ गए उस वाली स्क्वाड का ही लास्ट बंदा था, तो यार इसे इजीली पेल देते हैं। और भाई मतलब लोंडा यार स्मोक करके सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, बट भाई पेल देते हैं। तो अभी यार लास्ट बंदा बचा है, और मतलब भाई टीम मेट की होगी यार खुश की स्टार्ट, उसने भाई मुझे ही उड़ा दिया नेट से, मतलब भाई हद है यार, तुम यार कॉम्पिटेटिव प्लेयर हो बड़े प्लेयर हो, तो यार तुम्हारे लिए तो यार क्लासिक आर्केड जैसा, तो भैया हमें तो यार ऐसे मत करो, हमारी केडी का सवाल है भैया छोड़ दो। तो होप सो गाइस यार आप सभी को आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार लाइक जरूर करना, नए हो इस वाले यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ।